6, 7, 8. आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग निकल पड़े हैं कोलकाता से बकखली की तरफ, और रास्ते में हम लोग 2 घंटा राइड करने के बाद नामखाना पहुंच चुके हैं। कोलकाता से लगभग हम लोग का ये 115 किलोमीटर के आसपास पड़ा। तो दिल से स्वागत है आप सभी का, और जो लोग नए हैं हमारे इस वीडियो में, सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम लोग जब आए थे उस समय ये ब्रिज नहीं बना हुआ था, उस समय काम चालू था इस ब्रिज का, लेकिन इस बार जब हम लोग आए तब पूरा ब्रिज बना हुआ है। और नामखाना से जो बकखली की तरफ जाने वाले जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छे बन गए। पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में सब नामखाना आते थे, उसमें जेटी के पास जाके फेरी में हो चाहे छोटे छोटे नाव में अपने बाइक साइकिल और खुद भी इस पार से उस पार जाते थे, और फिर वहाँ से फिर बकखली की तरफ। लेकिन अब जब ब्रिज बन चुका है तब सभी तरफ से ये आसानी हो चुकी है कि डायरेक्ट अपने बाइक या गाड़ी में बैठ के ही नामखाना से आगे बढ़ सकते हैं। पर रुक गए थे और चारों तरफ नज़ारा देखे थे, तो पीछे से सोयकत आके थोड़ा मजाक कर रहा था कि आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे। हाँ, आप लोग थोड़ी देर हम लोग रुके हुए थे और हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का, और आसपास देख रहे थे पहले हम किस प्रकार जाते थे यहाँ पे। तो चलिए हमारा ये सफ़र फिर से चालू करते हैं और नामखाना से बकखली की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये ट्रिप हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि कोई डिसाइडेड नहीं था कि हम लोग जाएंगे कि फाइनली जाएंगे, संडे निकलेंगे। रात को 2 बजे मैंने मैसेज किया था संजीव दा को कि आप सुबह रेडी रहना, मैं और आप चलेंगे। तो फिर सुबह जब मैंने संजीव दा के घर पहुंच गया था तो उस समय पता चला कि सोयकत भी दार्जिलिंग से वापस आ गया। फिर सोयकत को फ़ोन लगाया गया कि सोयकत
चलोगे क्या? बोखली सोईकत ने बोला, रुको देखते हैं क्या होता है, मम्मी तो अभी मुझे मार डालेगी। तो फाइनली सोईकत को फ़ोन लगाया, फिर आरवी को फ़ोन लगाया, फिर हम लोग 4 बजे सुबह 7:30-8 बजे के आसपास हम लोग फिर वहाँ से निकले। तो लगभग लगभग 3 घंटा राइड करने के बाद हम लोग फाइनली बोखली पर पहुँच गए। तो बोखली हम लोग पहुँच चुके हैं और 2 साल बाद फिर यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बस जो है डायरेक्ट बोखली पहुँचती है इस प्लानट से और भी कई जगह से, और ट्रेन नामखाना तक ही आती है, उसके बाद फिर वहाँ से बस करके फिर यहाँ आना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो के जुड़े रहने के लिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियो का लाभ उठाए। फाइनली हम लोग बोखली पहुँच चुके थे।